तो लाइट्स को दोस्तों आ चुके एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज के लिए मैं आपको देने वाला हूँ टॉप 10 एडोन्स फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन, वो भी सर्वाइवल के लिए 1.21.31 वर्जन में। तो लाइट्स को एंड सारे वर्जन में चले गए, सॉरी। तो लाइट्स को करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के, एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अगर चैनल पर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, हो सके दूसरा शेयर कर देना, जो बैलेंस आएगा ना उसको ऑल पर ना भूलना मत। एंड हाँ, डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में पिन कार्ड में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। एंड सारे मोड को वर्क करवाना ऐड ऑन को, तो एक्सीडेंटल मोड को ऑन करना मत भूलना, वरना वर्क नहीं करेंगे या फिर तुम गालियाँ दोगे मुझे आके। तो करते वीडियो को स्टार्ट। एंड हाँ, थोड़ा खांसी जुकाम है तो खांसूंगा थोड़ा बहुत, इरिटेट मत होना। तो लेट्स को करते वीडियो को स्टार्ट, एंड लेट्स को चलते हमारे वीडियो को फर्स्ट एडोन की तरफ को, जिसका नाम है न्यू पोशंस, जिसमें नए नए पोशंस ऐड करे गए माइनक्राफ्ट के अंदर। लेट्स को मैं तुम्हें दिखा देता कौन कौन से पोशंस हैं। आओ क्रिएटिव ओपन करो, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यस भाई। एंड हाँ भाई, बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करो प्लीज़ भाई, प्लीज़। जिम भरे को वीडियो बनाना होता है तभी इनको भाई करना रहता है, ये भी ठीक है भाई, फालतू फालतू चीज़ें ये भी ठीक है। तो लेट्स को ये रहे पोशंस, एंटी मैजिक ये भी ठीक है। तो एंटी मैजिक मींस जो वीच वीच होगी तुम पे, अबे भाई तू ठीक से पोशंस ले ले गेमर राइम, हगास लोंडा हगास बंदा। लेट्स को एंड जल्दी मैं अपने एक सरल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड अपना एक एटरनोस का सर्वर भी दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोशंस हैं नए ऐड करे गए। बैड ओमैन अभी तो 1.21 में हमारा नए वर्जन में बैड ओमैन का मिलने लग गया है, क्या बोलते हैं इसको, तो ये पोशंस बैड ओमैन का, तो ये बैड ओमैन का पोशन है जिससे तुम विलेजर को कर सकते हो। फिर मैग्नेटिज्म, अगर तुम किसी चीज़ को जैसे मैग्नेटिज्म ऑटो इन्वेंटरी जैसी चीज़ है, अगर तुम किसी चीज़ को तोड़ोगे तुम्हारे आसपास होगी तो तुम्हारी इन्वेंटरी में आ जाएगी वो चीज़। फिर इंचेंटमेंट स्टैप भाई ये भी ठीक है। फिर कॉन्ड्यूट पावर मिलेगी, इसका भी पोशंस है। फिर फीटल पॉइजन भाई ये तो तुम्हें मार ही देगा। फिर विलेजर हीरो, हीरो ऑफ द विलेज जब तुम रेड को कंप्लीट करते हो उससे मिलता है वो है, टेलीपोर्ट कर सकते हो। फिर एंटी मैजिक, अगर तुम्हें कोई गंदे पोशंस लगा देगा तो हटा सकते हो। फिर पोशन सप्लाई वो तो तुम्हें बताइए। एंड ये रहा हमारा सैचुरेशन का, ये भी ठीक है भाई, ये भी बढ़िया चीज़ है, ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है। तो लेट्स को लॉन्ड। एंड हाँ देखो, ये रहे साइड में मेरे बटन्स के साइड में, जो वॉकिंग के बटन से उधर तुम्हें सारे दिख जाएंगे इफेक्ट, एंड ऊपर जो होंगे वो हमारे ऑफिशियल दिखेंगे। तो लेट्स को बस यही था इस एडोन के अंदर। तो सेकेंड एडोन का नाम है कस्टम स्काई, देख के ही पता चल गया होगा भाई आपको। तो लेट्स को देख सकते हो कस्टम स्काई भाई, क्या ही लग रहा है, पूरा हॉरर बना दिया इसको, कार्टून नेटवर्क बना दिया क्या भाई मैप को। तो लेट्स को इसमें डिफरेंट डिफरेंट कस्टम स्काइज ऐड करे गए, तो देख सकते हो मैंने स्पेस वाला लगाया। एंड हाँ, और 10 जीते 10-15 जीते हो जाके तुम खुद चेकआउट करना, एंड बताना तुम मुझे कि कैसा लगा है, मैं सारे एक वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो लेट्स को देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्काई से भाई, क्या ही लग रहा है रियलिस्टिक, क्या ही ओपी दिख रहा है ये वाला। ये शायद तक बाहर का मीन्स इसका नाम क्या होगा बे, ये स्पेस वाला होगा यस। तो लेट्स को जाके चेकआउट करना, एंड मुझे बताना कैसे लग रहे हैं तुम्हें स्काइस। तो लेट्स को यही था इस एडोन के अंदर। थर्ड एडोन का नाम है पेसिफिस्ट फ्लावर, या फिर फ्लावर जो कुछ भी बोलो। तो ये बेसिकली एक हेलमेट जैसी चीज़ें जो तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम वो पहनते हो। रुको लेट्स को मैं पहन के दिखा देगा, देखो मेरे सर पे लग गया ये, पहनता हूँ अगर मैं सरल में जाता हूँ, एंड अगर कुछ चीज़ें मैं स्पॉन करता हूँ जॉम्बीज के एग्स ले लेता हूँ, तो हॉस्टाइल मूव मेरे को नहीं मारेंगे इस एडोन में। ऐसी चीज़ें भाई भाई एग्स लेना है, स्पॉन एग्स कहा गया हमारा जॉम्बी। फिर क्रीपर व्यूपर भाई फटफट जाएगा तो मेरी फाड़ देगा। तो लेट्स को अभी मैं जाता हूँ सर्वाइवल में, क्रिएटिव में हूँ, सर्वाइवल में जाना है भाई। तो लेट्स को अगर मैं इनको स्पॉन करता हूँ तो ये लॉन्डे मुझे नहीं मारेंगे, देखो, क्योंकि मैंने पेसिफिस्ट पहन रखा है भाई। अगर हाँ इन पे अटैक कर दूंगा मैं तो ये मेरे पे अटैक करने आ जाएंगे, मैं तब भी नहीं आया भाई, ये भी ठीक है। लेट्स को ये स्पॉन क्या है, मेरे को नहीं मार रहा, अगर मैं इसको मारता हूँ यस तो मारेगा मुझे भाई, अगर तुम भाई उंगली करोगे किसी के अंदर तो मारेगा तुम सामने। तो लेट्स को ये चीज़ है इस एडोन के अंदर, एंड बहुत ही बढ़िया एडोन है भाई। मर जा लॉन्डे, मर जा भाई, ले भाई मार ले, अब मार ले, ले ले कर ले। तो ये चीज़ है, एंड अगर तुम भाई सरल में क्रीपर फटेगा क्या, नहीं फटा देखो, बट अगर मारोगे तो तुम्हें उंगली करोगे तो उंगली कर देगा तुम्हारे में। तो ये एड ऑन का बस बहुत ही मस्त चीज़ है भाई, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो लेट्स को चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट एड ऑन की तरफ को।
तो लेट्स को दोस्तों, अगले एड ऑन का नाम है लकी स्काई ब्लॉक। तो बेसिकली एक स्काई ब्लॉक है एंड लकी वाला स्काई ब्लॉक है। इसमें एक तुम्हें लकी ब्लॉक मिलेगा, उसको तुम तोड़ते रहोगे, वो रीजनरेट होता रहेगा। उसमें तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, लकी लूट मिलेगी एंड नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं उसमें। तो लेट्स को ध्यान से खेलना। तो इसका एक क्रेडिट है, वेलकम टू द लकी ब्लॉक स्काई ब्लॉक, जो कुछ भी इसने लिख रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। एंड दूसरा भी चीज़ दिया है, क्या नाम है इसका, लकी ब्लॉक फाइंड मी। हाँ, तो तुम्हें बेसिकली ये सामने नहीं मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड है आजू बाजू, उसके ऊपर जाना पड़ेगा और इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो तुम खुद जाके फाइंड कर लेना, तुम्हें पहले ये चंक दे रखा है ताकि तुम रिसोर्स इकट्ठे। देखो ये रहा लकी ब्लॉक भाई, ये भी ठीक है, लकी स्काई ब्लॉक लेट्स को मुझे मिल भी गया ऐसे ही। मैं अबे भाई लकी, हाँ लकी है, मुझे लगा गोल्ड के ब्लॉक से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो तुम जाके खेल सकते हो लकी स्काई ब्लॉक, बहुत ही बढ़िया मैप है भाई, एंड इसकी सीरीज भी बना सकते हो। तो लेट्स को बस सही था। एंड हाँ, लकी ब्लॉक को तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इस बुक ने लिख रखा है, बुक के अंदर जिसने एड ऑन बनाया उसने फाइंड मी करके। तो लेट्स को बस सही था इस एड ऑन के अंदर। तो लेट्स को अगले एड ऑन का नाम है, वर्ल्ड का नाम है, जिसका नाम है वन चेस्ट। तो जिसके अंदर हमारा रहता है वन ब्लॉक, उसकी जगह यहाँ पे तुम्हें मिलेगी वन चेस्ट। तो ऐसे ही तुम्हें तोड़ती रहनी पड़ेगी। देखो ये रहा चेस्ट, फिर ये मैं तोड़ूंगा, दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, इसके अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें मुझे मिलेगी। देखो तो ये है, तो बेसिकली मैं ऐसा ही स्ट्रीम ऑन करके खेल रहा था, तो ये जैसे तैसे मैंने पता नहीं क्या ही आइलैंड बना दिया। एंड बहुत सारी चेस्टें मिलेगी एंड डिफरेंट डिफरेंट लूट्स मिलेगी उसके अंदर। देखो ये सारी चीज़ें अगर तुम तोड़ते ही रहोगे तो ये अनलिमिटेड चेस्ट आती रहेगी भाई। तो ये मैप भी खेल सकते हो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है, वन ब्लॉक की जगह वन चेस्ट एंड बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी। तो लेट्स को ये वाला भी मस्त है भाई, वर्ल्ड जाके चेकआउट करना, खेलना मज़ा आएगा तुम्हें खेलने में भी। तो लेट्स को बस यही था इस वर्ल्ड के अंदर, इस एड ऑन के अंदर। तो सिक्स्थ एड ऑन का नाम है वन चंक। तो बेसिकली इसमें एक वर्ल्ड है जिसमें पूरा एक वन चंक ही होगा, जिसमें तुम्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। तुमने देखा ही होगा भाई यूट्यूब पे वीडियो। तो लेट्स को ये बहुत बड़ा हमारा वन चंक है जिसके ऊपर तुम्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। तो लेट्स को बहुत सारे ऐसे लॉन्डे स्पॉन हो जाएंगे, हमारे एनिमल्स रहेंगे, सारी चीज़ें भाई। ये भी ठीक है, इतना लैग, ये भी ठीक है। तो ये पूरा इतना बड़ा वन चंक रहेगा जिसमें सारी चीज़ें होगी। तो मैं नीचे भी जाकर तुम्हें दिखा देता, तो नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड जो हमारा रहता है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। देख सकते हो केव्स वैसे सब कुछ तुम्हें ढूंढना पड़ेगा एंड एक्सप्लोर करना पड़ेगा और इसके ऊपर सर्वाइव करना पड़ेगा। तो लेट्स को बस यही था इस एड ऑन के अंदर, लेट्स को। तो देख सकते हो भाई क्या ही कितना बड़ा लग रहा है भाई। एंड हाँ, कमेंट में बताना एक वन चंक कितने भाई कितने का होता है, मीन्स 9x9 ब्लॉक का तो नहीं होगा भाई, बहुत ज़्यादा ही ब्लॉक लग रहा है मुझे। तो एक बार मुझे बताना, इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे याद रखना पड़ेगा। तो लेट्स को बस यही था इस एड ऑन के अंदर। लेट्स को सेवन थर्ड ऑन का नाम है लावा ओनली वर्ल्ड। तो लेट्स को देख सकते हो बेसिकली पूरा एक फ्लैट वर्ल्ड है जिसके अंदर लावा ओनली वर्ल्ड है। तो लेट्स को क्रिएट भाई, ये भी ठीक है, मैं क्रिएटिव भी नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। अभी ये मुझे पार करना पड़ेगा क्या, तो मैं तो मरूंगा। देखो मुझे पता था मैं मरूंगा, 100% मरूंगा भाई, पार्कोर नाम की तो चीज़ ही नहीं आती है हमें। ये भी ठीक है भाई, लेट्स को सेटिंग्स में जाके क्रिएटिव करना पड़ेगा, बढ़िया चीज़ है भाई ये। तो फिर मेरे ऐसे लौंडे तो मर जाएंगे। तो लेट्स को अबे भाई रुक जा। तो देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं, तो लावा ओनली वर्ल्ड में यही चीज़ें रहती है, तो इसके ऊपर भी तुम सर्वाइव कर सकते हो। एंड हाँ, यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ है भाई, देख लेते क्या उसकी चेस्ट में क्या इतनी अच्छी चीज़ है। ये भी ठीक है भाई, प्लीज़ कुछ अच्छा ही हो। ओपी भाई आयरन है, चलो आयरन है, आयरन का थोड़ा बहुत आर्मर है। तो लेट्स को देख सकते हो जितना बने उतना जल्दी खेलना ताकि ये सारी चीज़ें बर्न ना हो जाए। तो लेट्स को बस यही था इस एड ऑन के अंदर। एंड ये बेसिकली वर्ल्ड है, एड ऑन नहीं है। यस भाई, इसको चलाने के लिए भी एड ऑन ही लगते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर एड ऑन लगे रहते हैं। तो बस यही था इसके अंदर। तो एट एड ऑन का नाम है बायोलॉजिकल इन्फेस्टेशन, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्रीपी चीज़ें ऐड करी गई है, तुम खुद देख ही सकते हो। मैं तुम्हें दिखा देता भाई क्या खतरनाक चीज़ें। देखो इन्फेक्टेड पिग भाई क्या लग रहा है। एंड ये जैसे जैसे मारेगा उसका फॉर्म भी बढ़ता जाएगा। ये इन्फेक्टेड काव है, फिर ये इन्फेक्टेड टेंड्रिल्स है, फिर भाई ये वॉर्म है कुछ इन्फेक्टेड, क्या ही क्रीपी लग रहा है। एंड ये इन्फेक्टेड ब्लॉक है हमारे, देख सकते हो। फिर ये इन्फेक्टेड ह्यूमन है एंड इनके भी फॉर्म है। अगर ये जिन जिन लॉन्डो को मारेंगे उनसे बढ़ेगा भाई चीज़ें। और ये मशरूम से इन्फेक्टेड है, ठीक है भाई, इनको इसके ऊपर ही लगा सकते हैं क्या, इन्फेक्टेड ब्लॉक के ऊपर। ये भी ठीक है भाई, बढ़िया चीज़ है तब तो। एंड हाँ, जैसे जैसे ये लॉन्डे मारेंगे दूसरे लॉन्डो को, वैसे वैसे इनका फॉर्म बढ़ता जाएगा। और
भाई मारो एक दूसरे को, क्या ही लग रहा है भाई, बहुत ख़राब लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें तुम सरालों में क्राफ्ट कर पाओगे, एंड हाँ जितना बने उतना स्कैरी बना सकते हो तुम अपने माइनक्राफ्ट को इस मॉड से। तो लट देखो मारा, देखा पीगो मार रहा है देखो, और जैसे ऐसे मारेगा उसकी पावर बढ़ेगी और उसका स्टेजिस भी बनेगी भाई। देखो 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 उसका सेकेंड फॉर्म देखा तुमने, मेरी आँखों के सामने देखा तुमने भाई, देखो तो ये उसका सेकेंड फॉर्म है भाई, बहुत रूह है। कभी वो डोंकी को मारेगा देखो, उसके थर्ड फॉर्म में भी जा सकता है अगर वो और लॉन्डो को मारेगा तो। भाई क्या क्रीपी लग रहा है भाई, फट जाएगी रात में खेलोगे तो ये भाई, ये भी ठीक है। तो लेट्स को वैसे ही था इस एडन के अंदर, चलते हमारे वीडियो को नाइन्थ एडन की तरफ का। नाइन्थ एडन की तरफ को बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अगर चैनल पर ना तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, हो सके दूसरा शेयर करना, जो बैलेंस आएगा ना उसको कॉल करना भूलना मत। एंड हाँ ऐसे ही कंटेंट को भाई, उधर लड़ाई हो गई भाई, भाई ये भी ठीक है भाई, मसला हो गया। तो लेट्स को चलते हमारे वीडियो को नाइन्थ एडन की तरफ को। तो लेट्स को नाइन्थ एडन का नाम है ऑल इन वन टूल, तो जैसे कि देख ही सकते हो भाई मेरे हाथ में ऑल इन वन टूल्स है जिसमें सारी चीज़ें ऐड करी हुई रहती है, सवल है, पिकैक्स है, एक्स है, स्वॉर्ड है। तो इसका डैमेज मैं दिखा देता हूं कितना डैमेज है, 7 का डैमेज है नॉर्मल जो हमारे स्वॉर्ड का डैमेज रहता है। तो इससे मैं अभी सरायल कर लेता हूँ, सरायल में आ जाओ देखो, अगर मैं पैर भाई ये भी ठीक है पैर तोड़ूंगा देखो एक्स से टूटेगा देखो, फिर मैं डर्ट माइन करूंगा तो डर्ट भी जल्दी जल्दी माइन हो जाएगी, हो भी हो जाएगा शायद तक, यस हो भी ऐड है भाई, ये भी ठीक है, स्वॉर्ड भी ऐड है। तो बहुत सारी चीज़ें यार इसमें भाई, भाई वॉर्ड है ये तो ओपी हो जाएगा। एंड है यस ये सारे वेरिएंट्स में आती है, नेदराइट में आएगी, फिर गोल्ड में, वुडन में, आयरन में, स्टोन में, सारी चीज़ों में आएगी। एंड क्या ही दिख क्या रही है भाई, तो बढ़िया चीज़ है। एक यस एक और चीज़ रहेगी, स्टोन भी माइन करना पड़ेगा हमें, स्टोन भी मैं करके दिखा देता माइन। लो भाई स्टोन का आ गया देखो, स्टोन भी माइन कर रहा है भाई ये। एंड हाँ इनकी भाई एफिशिएंसी बढ़ गई है, स्टोन का टूल कितना जल्दी कर रहा है भाई, ये भी ठीक है। तो लेट्स को बस यही था इस एडन के अंदर, चलते हमारे वीडियो को लास्ट एडन की तरफ को। तो लास्ट एडन का नाम है कोइग्निक सैक्सजैमरा, तो एक कार का एडन है बेसिकली, सुपर कार का। तो एक साल पहले निकली थी एक कार जिसका नाम है कोइग्निक सैक्सजैमरा, मेरे को नाम भी बोलना नहीं आता। तो ये बहुत ही बढ़िया सुपर कार है भाई रियल लाइफ में, एंड सबसे फास्टेस्ट है, एंड फास्टेस्ट तो नहीं होगी सबसे, बट सबसे ज़्यादा इसका हॉर्स पावर है, HP जो बोलते हैं हम। तो इसका 2500 जितना हॉर्स पावर है उसका, एंड ये 0 to 400 इन 4 to 5 seconds चली जाती है। तो ये बहुत फेमस हुई थी जब ये कार आई थी तब, नहीं नहीं इसका रियल कलर है ग्रीन कलर भाई, मैं का गायब हो गया मैं, ये भी ठीक है। तो अभी तो नहीं चल रही भाई, वो चली जाएगी ना चीज़ें, उतनी टिकेगी नहीं ना BMW जैसी भाई। तो लाइट्स को देख सकते हो, एंड चलाओगे तो क्या ही साउंड आएगा देखो, एंड इंटीरियर देख लो भाई क्या ओपी लग रहा है। एंड 4-seater कार है ये बेसिकली, एक 4-seater जैसी कार है रियल लाइफ में भी, तो क्या ही बताओ भाई इतने अच्छी चीज़ों में। एंड भाई साउंड देखो, क्वालिटी देखो, क्या मस्त लग रही है भाई गाड़ी। लेट्स को तो यही था इस एडन के अंदर, एंड हाँ रियल लाइफ में ये कार 4-seater कार है स्पोर्ट्स कार होने के बाद, इतना HP होने के बाद भी, तो ये बहुत चली थी ग्रीन कलर में, बहुत ही मस्त लगती है ये, तो जाके देखना गूगल पे सर्च करके। तो लेट्स को बस यही था आज के वीडियो के अंदर, आज के एडन इतने ही, तो बस यहीं पे ख़त्म होता है आज। एंड लेट्स को चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो से लगती है लाइक कर देना, उसको दूसरा शेयर करना, जब बैलेंस आइकन है उसको लड़ना भूलना मत। एंड हाँ लेट्स को मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो के साथ, दोबारा जल्दी आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड हाँ कमेंट भी करते रहो, जो एडन तुम्हें चाहिए एंड कुछ कह रही हो वो भी कमेंट करते रहो, तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो जी हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो, सायोनारा, गुड बाय।